हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। चंडीगढ़ में मंगलवार को सीएम मनोहर लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम ने कई मुद्दों पर जानकारी दी। सीएम ने बताया कि 5 मार्च से हरियाणा का बजट सत्र शुरू हो रहा है, जो राज्यपाल के अभिभाषण से शुरू होगा। कोरोना की समस्याओं पर बोलते हुए सीएम ने कहा कि कोविड से हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ा है और कोरोना काल में बनाए गए फंड में करीब 290 करोड़ रुपए आए हैं। वर्तमान स्थिति की जानकारी देते हुए सीएम ने बताया कि अब फिर से कोरोना के केसेस बढ़ने शुरू हो गए हैं, जिनको लेकर आवश्यक निर्देश दे दिए गए हैं। विपक्ष को घेरते हुए सीएम ने कहा कि जब विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं बचता है तो विपक्ष महंगाई का राग अलापने लगता है। चंडीगढ़ में आज बीजेपी की ओर से संगठन की कार्यप्रणाली को लेकर एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ और विनोद प्रभारी विनोद तावड़े मौजूद रहे और बैठक में बीजेपी के जिला अध्यक्ष और पूर्व जिला अध्यक्ष भी मौजूद रहे। बैठक के बाद बीजेपी नेता सुभाष बराला ने जानकारी देते हुए बताया कि बैठक 2 चरणों में आयोजित की गई है। इसके साथ उन्होंने बताया कि बैठक में गरीब लोगों के लिए कल्याणकारी योजनाओं को लेकर चर्चा की गई है। बैठक में बीजेपी कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए गए कि ब्लॉक स्तर पर वो आम गरीब जनता की सहायता के लिए काम करें और परिवार पहचान पत्र को लेकर अगर किसी को कोई समस्या आती है तो उसका भी समाधान करवाएं। इसके साथ ही किसान आंदोलन के विवाद पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि जल्द ही बातचीत से समाधान निकाला जाएगा। फरीदाबाद में कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू कष्ट निवारण समिति की बैठक की गई। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की अध्यक्षता में बैठक हुई। इस बैठक से पहले कई कांग्रेस नेताओं को नजरबंद किया गया। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन 97वें दिन भी जारी रहा। किसान लगातार दिल्ली बॉर्डर पर डटे हुए हैं। किसान लगातार कृषि कानूनों को रद्द करने और एमएसपी पर कानूनी गारंटी की मांग कर रहे हैं। डांसा बॉर्डर पर किसानों ने कच्ची ईंटों से कमरे बनाकर गर्मियों का इंतजाम शुरू कर दिया। इन कमरों के ऊपर पराली की छतें भी डाली जा रही हैं। किसानों ने बताया कि तैयारियां खासतौर से गर्मियों के लिए ही की गई हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि आंदोलन अभी लंबा चलेगा। तो वहीं किसानों ने बताया कि सरकार की ओर से बातचीत का कोई रास्ता अभी तक नहीं निकाला गया है, इसीलिए वो आगे का इंतजाम कर रहे हैं। प्रदेश में डीजीपी मनोज यादव की नियुक्ति का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। डीजीपी विवाद को लेकर सूत्रों से मिल रही जानकारी के अनुसार सूबे के मुखिया और गृह मंत्री अनिल विज के बीच डीजीपी की नियुक्ति को लेकर तल्खियां बढ़ गई हैं। सूत्रों की माने तो अनिल विज डीजीपी को बदलने की मांग पर अड़ गए हैं और नए डीजीपी की नियुक्ति की मांग कर रहे हैं, जबकि सूबे के मुखिया फिलहाल इसको लेकर सहमत नहीं है। बता दें कि अनिल विज ने बीते दिनों गृह सचिव को चिट्ठी लिखकर डीजीपी का पैनल यूपीएससी को भेजने की मांग की थी। हालांकि विज ने बताया कि उन्हें अभी तक गृह सचिव से इसका कोई उत्तर नहीं मिला है। आंदोलन को मजबूती देने के लिए किसान नेता राकेश टिकैत लगातार बैठकें कर चर्चा कर रहे हैं। हरियाणा न्यूज के साथ खास बातचीत के दौरान राकेश टिकैत ने बताया कि सरकार फिलहाल मनमानी कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार को जवाब देने के लिए रणनीति पर चर्चा की जा रही है। साथ ही उन्होंने किसानों से आग्रह किया कि वो फसलों को बर्बाद ना करें बल्कि अपने घरों में ही रखें। वैक्सीनेशन और कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर हुई बैठक के बाद गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि वैक्सीनेशन के चरण में अब 60 साल के ऊपर की आयु के लोगों और 45 साल से ऊपर की आयु के उन लोगों का टीकाकरण होगा जिनको गंभीर बीमारियां हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सरकारी अस्पतालों में मुफ्त में वैक्सीनेशन किया जाएगा, जबकि आयुष्मान भारत के इन पैनल्ड 386 अस्पतालों में इंजेक्शन के लिए 250 रुपए लिए जाएंगे। इसमें 150 रुपए सरकार को मिलेंगे, जबकि 100 रुपए अस्पताल के सर्विस चार्जेस होंगे। उन्होंने बताया कि वैक्सीनेशन के लिए सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। वैक्सीन को लेकर संदेह को दूर करने के लिए उन्होंने पीएम मोदी का उदाहरण देते हुए कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी सच्चे नायक हैं, जिन्होंने आगे बढ़कर देश को रास्ता दिखाया है। कोरोना के बढ़ते मामलों पर अनिल विज ने कहा कि संक्रमण को नियंत्रण में लाने के लिए हर जिले के उपायुक्त को 3-3 लोगों की टीम बनाने के आदेश दिए गए हैं।
इस टीम में एक पुलिस डिपार्टमेंट, एक सिविल डिपार्टमेंट और एक स्वास्थ्य विभाग का अधिकारी शामिल होगा। ये टीम सभी स्कूलों या पब्लिक प्लेस में जाकर कोरोना नियमों के पालन की जांच करेंगी। प्रदेश में एक बार फिर कोरोना के आंकड़ों में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। बीते 24 घंटे में 166 नए मरीजों की पुष्टि हुई। गुरुग्राम से 36 और करनाल से 21 नए मामले सामने आए हैं। कुरुक्षेत्र में कोरोना के 32 और पानीपत के 19 नए केसेस सामने आए। अंबाला में 14 और पंचकुला में 8 नए मामले सामने आए हैं। प्रदेश में अब तक 3,050 मरीजों की मौत के मामले सामने आ चुके। इसी के साथ अब तक हरियाणा में कुल 2,70,950 के सामने आ चुके हैं। एक दिन में 151 मरीजों ने कोरोना को मात दी। सिरसा में पुलिस की ओर से मास्क जागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान लोगों को मास्क पहनने के लिए जागरूक किया गया। शहर थाना प्रभारी प्रदीप कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम सुभाष चौक पर पहुंची और लोगों को मास्क लगाने के लिए प्रेरित करती नजर आई। इस दौरान लोगों में पुलिस की ओर से मास्क निःशुल्क भी बांटे गए। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच पुलिस ने सभी को समझाया कि कोरोना वायरस अभी भी है, इसीलिए मास्क जरूर लगाएं। सीएम के आदेश के बाद फतेहाबाद में कोरोना के नियमों को लेकर प्रशासन एक्शन मोड में आ गया है, जिसको लेकर शहर के मुख्य चौराहों पर बिना मास्क के घूम रहे लोगों के चालान काटे जा रहे हैं। प्रशासन ने कई लोगों को हिदायत देकर छोड़ दिया। जानकारी दे दें कि मुख्यमंत्री और हरियाणा पुलिस के एडीजीपी के आदेश के बाद हरियाणा पुलिस मास्क को लेकर एक बार फिर हरकत में आ गई है। पूरे हरियाणा में 1 मार्च से 15 मार्च तक विशेष अभियान चलाने का निर्णय लिया गया है। इस अभियान में बिना मास्क से घूम रहे लोगों पर सख्ती की जाएगी और जुर्माना वसूला जाएगा। उकलाना में किसानों को अब तक बारिश के कारण नष्ट हुई फसल का मुआवजा नहीं मिलने से किसानों में रोष है। किसानों ने रोष प्रकट करते हुए तहसील कार्यालय के बाहर प्रशासन और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान किसानों ने उचित मुआवजे की भी मांग की। किसानों का कहना है कि साल 2020 में बारिश के कारण उनकी फसलें नष्ट हो गई थी, जिसके बाद हल्का विधायक और राज्य मंत्री अनूप धानक, हिसार उपायुक्त डॉक्टर प्रियंका सोनी समेत कई अधिकारियों ने मौके का जायजा लेकर विशेष गिरदावरी करवाने और मुआवजा देने की बात कही थी। उन्होंने कहा कि बीमा कंपनी की ओर से प्रति एकड़ 1,650 रुपये उनके काटे गए, जबकि उन्हें काटी गई राशि के प्रीमियम से भी कम राशि के रूप में दिया जा रहा है। किसानों का कहना है कि अब मुआवजे के तौर पर 500-700 रुपए प्रति एकड़ दिए जा रहे हैं, जो किसानों के साथ बद्दा मजाक है। किसानों ने नायब तहसीलदार के माध्यम से उपायुक्त को ज्ञापन देते हुए उचित मुआवजा देने की मांग की। आम जनता पर महंगाई की मार का सिलसिला जारी है। दिल्ली एनसीआर में सीएनजी और पीएनजी की कीमतों में फिर से बढ़ोतरी हुई। सीएनजी 70 पैसे महंगा हुआ, जबकि पीएनजी की कीमत में 91 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। कीमतें बढ़ाने के पीछे की वजह कोरोना काल में आई जेल की फिक्स्ड कास्ट, मैन पावर कॉस्ट और परिचालन लागत में हुई बढ़ोतरी को बताया जा रहा है। दिल्ली एनसीआर में सीएनजी की कीमत में 70 पैसे प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी की गई है। अब यहां सीएनजी की नई कीमत 43.40 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई है। वहीं गाजियाबाद, नोएडा और ग्रेटर नोएडा में सीएनजी 49.08 रुपए प्रति किलोग्राम में मिल रही है। आईजीएल ने पीएनजी में 91 पैसे की बढ़ोतरी की। ऐसे में अब दिल्ली में पीएनजी की नई कीमत 28.41 रुपए प्रति एसएम होगी। आपको बता दें कि इससे पहले कल ही एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 25 रुपए की बढ़ोतरी हुई है, जिसके बाद अब दिल्ली में 14.02 रुपए किलोग्राम का रसोई गैस सिलेंडर 819 रुपए का मिलेगा। गोहाना में बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे। ताजा मामला गोहाना से आया है, जहां मेन बाजार में एक दुकानदार पर अचानक 7 से 8 बदमाशों ने हमला बोल दिया। इस हमले की वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सीसीटीवी में देखा जा सकता है कि कैसे बदमाश चेहरे पर रुमाल बांधकर आते हैं, दुकानदार पर हमला कर देते हैं, जिसके बाद आसपास के दुकानदार बीच बचाव करने आए तो बदमाश भाग खड़े हुए। दुकानदारों ने एक बदमाश को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। वहीं घायल दुकानदार को नजदीक के पीजीआई खानपुर में भर्ती कराया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल में शुरू की गई नल से जल योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को बड़ी सहूलियत मिली है। इस योजना की वजह से प्रदेश के 5 जिलों कुरुक्षेत्र, अंबाला, रोहतक, करनाल और पंचकुला के गांव में अब 100% पानी के कनेक्शन हो गए हैं।
सरकार की इस योजना से फायदा उठा रहे लोगों के चेहरों पर खुशी है। महिलाओं को अब पानी के लिए मशक्कत करनी नहीं पड़ेगी, उन्हें घर से महज कुछ ही कदम की दूरी पर आसानी से पानी उपलब्ध हो रहा है। पहले पानी के लिए महिलाओं को ज्यादा दूरी तय करनी पड़ती थी, जिसमें उनका काफी वक्त भी जाया होता था। घर से कुछ कदम में पानी मिलने से महिलाओं को दूसरे काम के लिए भी वक्त मिल जाता है। बहादुरगढ़ में सरकारी विभागों पर 10 करोड़ से ज्यादा का बिजली बिल बकाया। बिजली बिल का सबसे बड़ा डिफॉल्टर बहादुरगढ़ नगर परिषद है, जिसके बाद पब्लिक हेल्थ का नंबर आता है। नगर परिषद पर 6 करोड़ 64 लाख और पब्लिक हेल्थ पर करीबन 4.25 करोड़ का बिजली बिल बकाया है, जिसके बाद बिजली विभाग ने अब बिल नहीं भरने वाले सरकारी महकमों का बिजली काटने का फैसला किया है। विभाग के एक सीन रामपाल ने बताया कि बकाया राशि जमा नहीं कराने वाले सरकारी विभागों के बिजली कनेक्शन अस्थायी रूप से काटने का फैसला लिया गया है। कुरुक्षेत्र के थानेसर में उस समय हड़कंप मच गया जब तहसील कार्यालय के आसपास नायब तहसीलदार के खिलाफ पोस्टर दिखाई दिए। ये पोस्टर देर रात एक व्यक्ति द्वारा चिपकाए गए, जिसने खुद को बीजेपी का कार्यकर्ता बताया लेकिन अपना नाम नहीं बताया। इन पोस्टरों में तहसील कार्यालय और नायब तहसीलदार पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। पोस्टर में नायब तहसीलदार और तहसील कर्मचारियों पर रजिस्ट्री के नाम पर मोटी रकम ऐंठने के आरोप लगाए गए हैं। साथ ही लिखा गया है कि कई बार इसकी शिकायत करने के बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं की गई है। व्यक्ति का कहना है कि वो लंबे समय से अपनी रजिस्ट्री के लिए तहसील के धक्के खा रहे हैं, लेकिन उसके बात नहीं सुनी जा रही। हालांकि अब तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि पोस्टर लगाने वाला व्यक्ति कौन है। ये पोस्टर पूरी तहसील में चर्चा का विषय बने हुए हैं। और वहीं अपना पक्ष रखते हुए नायब तहसीलदार ने कहा कि ये सभी आरोप दुर्भावना के तहत लगाए गए हैं और ये आरोप झूठे हैं। सोमवार को फरीदाबाद नगर निगम का सालाना बजट पेश होने के दौरान जमकर हंगामा देखने को मिला। इस बजट को लेकर कई पार्षदों ने नाराजगी भी जाहिर की। निगम द्वारा पेश किए गए बजट को लेकर सदन की बैठक में गहमा गहमी का माहौल दिखा। बीजेपी पार्षद कुलवीर तेवतिया ने बजट से नाराज होकर बजट की कॉपी भी फाड़ दी। मामला तब और गरमा गया जब पार्षद जयवीर खटाना ने बजट को लेकर अधिकारी से प्रश्न करने पर निगम कमिश्नर ने उन्हें ऊंची आवाज में बोलने से रोका, जिसके बाद जयवीर खटाना ने इस्तीफे की पेशकश कर दी। वही सदन की बैठक में मौजूद एनआईटी विधानसभा से कांग्रेस विधायक नीरज शर्मा ने भी नगर निगम पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। बहादुरगढ़ के औद्योगिक सेक्टर 17 की 2 फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। दोनों फैक्ट्रियों में चप्पल बनाने का काम किया जाता था। आग लगने के बाद फैक्ट्री में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। नांगल चौधरी में 2 अलग अलग सड़क हादसे हुए। पहला हादसा नारनौल निजामपुर रोड पर हुआ, और जहां पर एक ट्राले और ट्रक के बीच जोरदार टक्कर हो गई। दरअसल रोड पर खड़े ट्राले में पीछे से आ रहे ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। इस दौरान ट्रक में आग लग गई। आग लगने के कारण ट्रक में बैठे चालक की झुलसने से मौत हो गई, और वहीं आरोपी ड्राइवर मौके से फरार हो गया। नांगल चौधरी निजामपुर रोड पर हुआ यह हादसा, जहां एक ट्राले और पिकअप में जोरदार भिड़ंत हो गई। इस हादसे में 8 से 10 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। इस दौरान ग्रामीणों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने उपायुक्त को मौके पर बुलाने की बात पर अपनी जो है वो बात बताई। इस दौरान भारी पुलिस बल भी मौके पर मौजूद रहा। गोहाना में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां गोहाना रोहतक पानीपत रोड पर गांव चिड़ाना के पास पानीपत की तरफ से आ रहे एक तेज रफ्तार ट्रक ने सड़क किनारे खड़े 2 लोगों को टक्कर मार दी। टक्कर लगने से दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद ट्रक पलट गया और ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। बता दें कि मृतक रेलवे में 4th क्लास कर्मचारी था और दूसरा पास की फैक्ट्री में काम करने वाला बिहार का रहने वाला प्रवासी मजदूर था। हादसे के बाद पुलिस ने दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया और अज्ञात ट्रक चालक के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की जांच में जुट गई है। उचाना के गांव बथाना के लोग लंबे समय से पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। अपनी समस्या को लेकर ग्रामीण और महिला एकत्र होकर जींद के जन स्वास्थ्य विभाग पहुंचे और कार्यकारी अभियंता कार्यालय के बाहर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। महिलाओं ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर 2 दिनों में उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वे गांव के जलघर को ताला जड़ देंगी। वही उचाना में महिलाओं की शिकायत है कि गांव के लोग लंबे समय से पीने के पानी की समस्या से जूझ रहे हैं, लेकिन शिकायतों के बाद भी उनकी समस्या का समाधान नहीं किया जाता है। उचाना गांव में जलघर होते हुए भी महिलाओं को पीने के पानी को बर्तनों में भरकर लाना पड़ता है। समस्या के चलते कोई गांव अपनी बेटी का रिश्ता बधाना के बेटों से भी नहीं करता है।
गोहाना में 5 दिन पहले हुई एक ज्वेलर्स की दुकान में दिन दहाड़े 20 लाख से ज्यादा के सोने चांदी के आभूषणों की लूट के मामले में अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने से गोहाना व्यापार मंडल के व्यापारियों ने गोहाना के ESP से मुलाकात की और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। साथ ही कहा कि अगर 2 दिन में आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो गोहाना के सभी व्यापारी अपनी दुकानें बंद कर रोड पर उतरने को मजबूर होंगे। वहीं ASP निकिता खट्टर ने जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तारी का भरोसा दिया। गौरतलब है कि 26 फरवरी गोहाना के गुड्डा चुंगी के पास एक सुनार की दुकान से पिस्तौल के बल पर 4 बदमाशों ने 20 लाख की लूट की घटना को दिन दहाड़े अंजाम दिया था। पूरी वारदात दुकान में लगे CCTV कैमरे में भी कैद हो गई थी, लेकिन घटना के 5 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ इस मसले में खाली है, जिससे व्यापारियों में खासी नाराजगी है। पूर्व CM OP चौटाला सोमवार को फतेहाबाद के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने जाट धर्मशाला में इनेलो कार्यकर्ताओं की मीटिंग ली। मीटिंग के बाद पत्रकार वार्ता करते हुए ओम प्रकाश चौटाला ने बीजेपी सरकार के गिरने की भविष्यवाणी भी कर डाली। उन्होंने कहा कि देश में मध्यावर्ती चुनाव हो सकते हैं। उधर पूर्व CM ने किसानों के 100 रुपए लीटर दूध किए जाने के फैसले को भी सही बताया और कहा कि जब सरकार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा सकती है तो किसान भी दूध के दाम बढ़ा सकता है। प्रदेश के डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला ने दिल्ली में कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी के वैक्सीनेशन पर दुष्यंत चौटाला ने कहा कि प्रधानमंत्री ने स्वयं अपने आप को वैक्सीनेशन करवाकर लीड फ्रॉम द फ्रंट का एग्जाम्पल दिया है। और वही वैक्सीनेशन के दौरान प्रधानमंत्री के असम के गमछे पर विपक्ष के सवाल पर डिप्टी CM ने कहा कि इस तरह की बात करने वालों की मानसिकता ही ठीक नहीं है। दुष्यंत चौटाला ने प्रधानमंत्री के उस बयान पर भी अपना रिएक्शन दिया, जिसमें उन्होंने कहा है कि कृषि क्षेत्र में प्राइवेटाइजेशन की आवश्यकता है। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि पिछले 5 दशकों के अंदर ग्रीन रेगुलेशन से लेकर आज तक जब नई टेक्नोलॉजी और नए प्लेयर आए हैं, गवर्नमेंट सेक्टर के बाहर के लोग आए हैं, तो किसानों का उद्धार हुआ है। हरियाणा के बजट सत्र पर दुष्यंत चौटाला ने कहा, पिछले साल जिस तरीके से डेवलपमेंट स्कीम्स की शुरुआत की गई थी, आगामी बजट सत्र में भी वही स्कीम लाई जाएगी। बीजेपी नेता दिग्विजय चौटाला ने अभय चौटाला और भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर बड़े राजनीतिक हमले बोले। सिरसा में पत्रकारों से बातचीत में दिग्विजय ने चाचा अभय चौटाला पर तंज कसा, उन्हें सेल्फ प्रोक्लेम्ड नेता बताया। महाशिवरात्रि पर्व की तैयारियों को लेकर श्री बाबातारा कुटिया के मुख्य सेवक गोविंद कांडा ने सिरसा में MGLR कार्यालय के सभागार में श्री बाबातारा चैरिटेबल ट्रस्ट के सदस्यों और पदाधिकारियों के साथ बैठक की। श्री बाबा तारा कुटिया के मुख्य सेवक गोविंद कांडा ने कहा कि कुटिया में इस बार भी महाशिवरात्रि पर्व धूमधाम से और श्रद्धापूर्वक मनाई जाएगी। आगामी 9 मार्च को 51 कन्याओं का सामूहिक विवाह उनके रीति रिवाज के अनुसार किया जाएगा। 1 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं के भोजन लंगर प्रसाद का प्रबंध किया जाएगा। 10 मार्च को सत्संग भवन में पूर्व सांसद एवं फिल्म अभिनेत्री जयाप्रदा की ओर से श्री विवाह नाटिका का मंचन और तांडव नृत्य की प्रस्तुति दी जाएगी। वे देश में पहली बार सिरसा में पहली प्रस्तुति देंगी। बड़ी कक्षाओं के साथ साथ प्रदेश भर में सोमवार से पहली और दूसरी की कक्षाएं लगनी शुरू हो गई हैं, जिसमें छात्रों के माता पिताओं को अपने बच्चों को स्कूलों में भेजने से पहले स्कूल प्रमुख को एक सहमति पत्र सबमिट करना होगा। कृषि आंदोलन के तहत झांसा बॉर्डर पर बैठे किसान आंदोलन को लंबा चलाने के मद्देनजर तैयारियां कर रहे हैं। होली आने में विवक्त है, लेकिन किसानों ने आंदोलन स्थल पर अभी से ही होली की तैयारियां शुरू कर दी हैं। आंदोलन स्थल पर होली धूमधाम से मनाई जाएगी, जिसके लिए होलिका दहन को लेकर भी लकड़ियां एकत्र कर ली गई हैं। होली की तैयारियों को देखकर लगता है कि किसान लंबे वक्त तक यहां बैठने का मन बना चुके हैं। किसानों का कहना है कि जब तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा, वो आंदोलन स्थल पर ही अपने सभी पारंपरिक त्यौहार मनाएंगे। सत्रोल खाप की ओर से किए गए फैसले का असर नारनौंद में दिखना शुरू हो गया। डेयरी संचालकों का कहना है कि वो आम जनता को पहले के दामों में ही दूध बेचेंगे। वही सत्रोल खाप के प्रधान रामनिवास लोहान ने कहा कि पहले दिन कुछ मिला जुला असर रहा, कुछ किसानों को पता नहीं था, इसलिए उन्होंने दूध को पहले वाले दामों पर ही बेचा है। सत्रोल खाप के प्रधान ने कहा कि हम हर गांव में मुनियादी करवा देंगे, ताकि आगे से कोई भी किसान मिल्क प्लांट को 100 रुपए से कम कीमत पर दूध ना दे। वैन चौबीसी के फरमाना गांव के सरपंच आशीष के खिलाफ पुलिस की ओर से मुकदमा दर्ज करने के विरोध में होने वाली किसान महापंचायत रद्द हो गई है। देशभर में किसान आंदोलन की आग तेजी से फैल रही। किसान आंदोलन के समर्थन और कृषि कानूनों के विरोध में लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। कृषि कानूनों के विरोध में सोमवार को अंबाला के गांव मठेरी जट्टा में किसान ने खेतों में लहलहाती गेहूं की फसल पर ट्रैक्टर चलाकर नष्ट कर दिया। किसान का कहना है कि वो 100 दिनों से चल रहे किसान आंदोलन में 300 किसानों की जान चली जाने से आहत हैं और किसान ने कहा कि हम अपनी फसल को उन्हें पौने दामों में पूंजीपतियों को बिल्कुल नहीं बेचेंगे।
कृषि कानूनों के विरोध में लगातार आंदोलनरत किसानों ने सोमवार को बिजली मंत्री रणजीत सिंह के आवास के घेराव का प्रयास किया। बाबा भूमन शाह चौक पर किसानों के घेराव कार्यक्रम को देखते हुए पुलिस ने बैरिकेडिंग की थी। बड़ी संख्या में किसान राम कॉलोनी के रास्ते रणजीत सिंह के आवास की ओर बढ़ने लगे। बिजली मंत्री के आवास से करीब 100 फीट की दूरी पर बैरिकेड लगाकर किसानों को रोक लिया। काले झंडे उठाए किसान बिजली मंत्री के इस्तीफे की मांग करते हुए नारेबाजी कर रहे थे। बिजली मंत्री से मुलाकात की मांग पर डटे आक्रोशित किसानों ने बैरिकेडिंग तोड़ डाली। सिविल लाइन थाना प्रभारी जितेंद्र कुमार और अन्य पुलिसकर्मियों से धक्कामुक्की हुई। किसान और पुलिस आमने सामने हुए। करीब 2 घंटे तक स्थिति काफी तनावपूर्ण रही। मार्च महीने के पहले दिन ही तेल कंपनियों ने महंगाई को झटका दिया। तेल कंपनियों ने एलपीजी सिलेंडर के दाम फिर से बढ़ा दिए। दिल्ली में रसोई गैस की कीमत 25 रुपये बढ़कर 819 रुपये हो गई है। फिलहाल के लिए फटाफट खबरों में इतना ही। बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ। नमस्कार।